वो दुनिया के लिए आंखों का पानी खर्च करता है। आप देखेंगे, इससे पहले एक शेर पढ़ा था जिसमें आंख और पानी का इस्तेमाल हुआ था जो है, और अब वो फिर वो शेर पढ़ रहे हैं आंख का पानी पे जो है, कि आंख कैसे जो है वो जुड़ता है उनके उससे मुहावरे से। पहला शेर था, आंख में पानी रखो, होंठ पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो। और अब वो दूसरी इस गज़ल में इस्तेमाल करते हैं, वो दुनिया के लिए आँखों का पानी खर्च करता है, नई पूंजी कमाता है, पुरानी खर्च करता है। जो वो बंजर खेत हैं, वो बंजर खेत हैं, बोली लगाई जाएगी उनकी, चलो देखें कि बादल कितना पानी खर्च करता है, चलो देखें कि बादल कितना पानी खर्च करता है। मतलब एक आगही है, एक रियलाइजेशन है, साथ ही साथ जो है एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और एक यथार्थ से टकराने का, सामना करने का साहस या दुस्साहस भी है। वो बंजर खेत हैं, बोली लगाई जाएगी उनकी, चलो देखें कि बादल कितना पानी खर्च करता है। तलाशी लें अगर उसकी ग्रह में कुछ ना निकलेगा, तलाशी लें अगर उसकी ग्रह में, उसके पास, उसकी गांठ में कुछ ना निकलेगा। जवानी जमा खर्च करता है, जवानी जमा करता है, जवानी खर्च करता है। ये है जो जुमला, जो जुमले के जो सियासत चल रही है, जो जुमले के वो चल रही है, उस पर जो तंज है, व्यंग है, ये जवानी जमा करता है, जवानी जमा करता है, जवानी खर्च करता है। मैं खुद को बेच कर भी उसके दिन रोशन न कर पाया। बेकसी है, बेबसी है, आम असहाय, निस्सहाय, विवश है। मैं खुद को बेच करके भी उसके दिन रोशन न कर पाया, जो मेरे वास्ते हर शब सुहानी खर्च करता है। ये असहाय हो गए हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कि मैं खुद को बेच कर भी उसके दिन रोशन न कर पाया, जो मेरे वास्ते हर शब सुहानी खर्च करता है, कभी गुओं की मजलिस में। मैं खुद को बेच कर भी उसके दिन रोशन न कर पाया, जो मेरे वास्ते हर शब सुहानी खर्च करता है, कभी गुओं की मजलिस में, कभी बहरों की महफिल में, कभी गुओं की मजलिस में, कभी बहरों की महफिल में, वह हातिम ताई हर शब एक कहानी खर्च करता है। ये नित नए बखेड़े, नित नए जो है जुमलेबाजियाँ, नित नए जारगन्स, नित नए बजवर्ड्स, नित नए जो है शगुफे जो खिला रहे हैं उनके लिए है। कि कभी गुओं की मजलिस में, कभी बहरों की महफिल में, वो हातिम ताई हर शब्द कहानी खर्च करता है। उसे कोई खबर कर दे कि सिक्के घिस जाते हैं, उसे कोई खबर कर दे कि सिक्के घिस जाते हैं, वो कितना बेखबर होकर जवानी खर्च करता है। आप देखिए, यहाँ एक संदेश भी है नई पीढ़ी को, युवाओं को, नौजवानों से खिताब है, संबोधन है। उसे कोई खबर कर दे कि सिक्के घिस जाते हैं, वो कितना बेखबर होकर जवानी खर्च करता है। गजल की उठ रही है धीरे धीरे सारी दुकानें। तो ये राहत इंदौरवी साहब के लिए जो है कविता कारवा की तरफ से मैंने कोशिश करी, हमारी उनके जो है कि हक मकफरत करे जब आज़ाद मर्द था। मैं शुक्रगुजार हूँ कविता कारवा का, प्रतिभा कटियार का, ऋषभ गोयल का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझ जैसे आदमी से भी जो है कोशिश करी है कुछ कहला सकने की। शुक्रिया।